क्रीमिया पोर्ट हमले पर अपडेट सामने आ गया है, बड़ी जानकारी सामने आई है। हमले के बाद क्रेमलिन में आपात बैठक बुलाई गई है। यूक्रेन पर बड़े पलटवार की तैयारी की जा रही है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो फिदोसिया पोर्ट पर यूक्रेन के वायुसेना का जो हमला हुआ है उससे जुड़ी हुई है। फिदोसिया पोर्ट पर यूक्रेन की वायुसेना का हमला देखने को मिला है। रूस ने किया यूक्रेन के 2 फाइटर जेट को तबाह करने का दावा, ये बड़ी जानकारी। रूस ने नहीं दी अपने नुकसान की जानकारी, यानी रूस ने अपने नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन ये बताया कि उसने 2 फाइटर जेट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, नुकसान पहुंचाया उन्हें, जो यूक्रेन के थे। लेकिन क्रेमलिन की आपात बैठक में तय हो चुका है कि यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक ऑपरेशन शुरू होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने क्रीमिया के ब्लैक सी फ्लीट पर फिर मिसाइल हमला किया है और रूस को इस हमले में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी और वायुसेना ने इस साझा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। रूसी नेवल बेस पर हुए हमले के बाद रक्षा मंत्रालय ने क्रीमिया फ्रंटलाइन पर बड़ी तैनाती कर दी है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों पर एटमी वॉरहेड लोड कर दिए गए हैं। देखिए कैसे यूक्रेन ने एक बार फिर फिदोसिया पोर्ट पर हमला किया और रूस के प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट क्या है। Как и сюда? Вот зря мы сюда пошли, там осколки прилетят. Юкрейн ने क्रीमिया में भयंकर विस्फोट किया है। Ты снимаешь, да? Охренеть! Ой, жарко сюда! ये विस्फोट है रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर। ये धमाका किया गया है रूस की हथियार सप्लाई पर। यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को निशाना बनाया है। क्रीमिया के फिदोसिया में यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन के हमले में रूस का लैंडिंग युद्धपोत तबाह हो गया। ईरानी ड्रोन से लदे एक जहाज पर भी हमला किया गया। बीती रात क्रीमिया में जबरदस्त धमाके सुने गए। लोगों ने अपने मकानों की खिड़कियों से वीडियो बनाए। एक के बाद एक कई धमाकों से क्रीमिया दहल उठा। विस्फोट से उठी ऊंची लपटों से कई मील दूर तक रोशनी फैल गई। यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान होने की आशंका है। हमले से रूस का एक लैंडिंग शिप नोवोचेरकास BDK-46 तबाह हो गया। रूसी जहाज को मिसाइलों से टारगेट बनाया गया। हमला रूसी समय के मुताबिक शाम 6:51 पर किया गया। हमले के वक्त इस जहाज पर 50 से ज्यादा क्रू मेंबर थे। 10 से ज्यादा क्रू मेंबर के मारे जाने की आशंका है। हमले का मकसद रूस के 2 जहाजों को टारगेट बनाना था। लैंडिंग शिप के साथ साथ एक और जहाज पर हमले का प्लान था। दूसरे जहाज में ईरान से आए शाहिद ड्रोन लदे थे। इन ड्रोन को क्रीमिया से ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर पहुंचाया जाना था। हमले के बाद क्रीमिया ब्रिज पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। फिदोसिया हमले के साथ साथ यूक्रेन ने रूस के एक और क्रीमिया ठिकाने पर हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया है कि येवपतोरिया में रूस के मिलिट्री कमांड पोस्ट पर उसकी सेना ने हमला किया है। नोवोजर्ने के पुराने हथियार गोदाम पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। यूक्रेन के जवान ब्लैक सी से होते हुए येवपतोरिया के पुराने हथियार गोदाम तक पहुंचे और हमला कर दिया। हमले में रूस के कई सैन्य वाहन को नुकसान पहुंचने की खबर है। क्रीमिया पर बड़े हमले की प्लानिंग यूक्रेन लंबे समय से कर रहा था। ये हमला यूक्रेनी सेना और इंटेलिजेंस एजेंसी का साझा ऑपरेशन था। Мы сюда пошли, там осколки прилетят.
क्रीमिया में यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जासूस सक्रिय हैं। क्रीमिया में यूक्रेन के जासूसों ने रूसी जहाजों की लोकेशन दी। इसके बाद यूक्रेनी वायुसेना ने एयर टू सरफेस मिसाइलों से जहाज को निशाना बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय और रक्षा मंत्रालय ने इस सफल ऑपरेशन के बाद वायुसेना को बधाई दी है। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है, फिर भी यूक्रेन हमले करने में कामयाब हो रहा है। रूस ने हवा, जमीन और पानी में मल्टीलेयर सिक्योरिटी तैनात की है। ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा के लिए रूस ने जल और आकाश दोनों मोर्चों पर तैनाती कर रखी है। ये मल्टीलेयर सिक्योरिटी प्लान है जिससे दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन है। ब्लैक सी फ्लीट पर दुश्मन के हमले का पता लगाने के लिए पोसाइडन टोही विमान गश्त लगा रहे हैं। इनके साथ ही सुखोई 30 भी आसमान में तैनात हैं। इनके अलावा MI-17 और KA-50 हेलीकॉप्टर भी गश्त लगा रहे हैं। आसमान में सुरक्षा के लिए तैनात हवाई बेड़ा, समंदर में फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर युद्धपोत के साथ संपर्क में है। सबमरीन भी ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा में तैनात है। अगर टोही विमान से हमले का अलर्ट मिलता है तो दुश्मन के फ्लीट पर सुखोई और डिस्ट्रॉयर से मिसाइल हमला कर दिया जाएगा। इसके बाद MI और KA हेलीकॉप्टर सहित सबमरीन से हमला किया जाएगा। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का सबसे बड़ा लक्ष्य था क्रीमिया को आजाद कराना। रूस के कब्जे से क्रीमिया वापस लेकर वहां अपना झंडा फहराना, लेकिन अभी तक यूक्रेन का यह लक्ष्य अधूरा है। यूक्रेन 2022 के युद्ध से ही क्रीमिया पर कई बड़े हमले कर चुका है। जुलाई 31 को यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय पर आईडी विस्फोट किया। इस हमले में 6 लोग घायल हो गए। 9 अगस्त 2022 को यूक्रेन ने क्रीमिया के साकीय बेस पर हमला किया। इसमें रूस के 7 विमान तबाह हो गए। 8 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर विस्फोटकों से हमला किया। कर्च ब्रिज का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। 17 जुलाई 2023 को यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर दूसरा हमला किया। 13 सितंबर 2023 को यूक्रेन ने क्रीमिया में ब्लैक सी फ्लीट को स्टॉर्म शैडो मिसाइल से निशाना बनाया। इस हमले में 2 युद्धपोत और 1 सबमरीन नष्ट हो गई। 25 सितंबर 2023 को यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय को तबाह कर दिया। हमले में कई नेवी कमांडर मारे गए। यूक्रेन ने अब एक बार फिर ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट बनाया है। अमेरिका जब से 2 वॉर फ्रंट में फंसा है तब से रूस इस मौके का फायदा उठाने में जुटा है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन को हथियार सप्लाई भी घटी है और रूस चाहता है कि उसके हथियार सप्लाई रूट को बंद कर दिया जाए। US, जर्मनी और ब्रिटेन बाल्टिक सागर के रास्ते यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते हैं। इन देशों के जहाज बाल्टिक सागर से सटे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड पहुंचते हैं। तीनों बाल्टिक देशों और यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में हथियार गोदाम बनाए गए हैं। इन गोदामों में सप्लाई रखी जाती है। इसके बाद चारों देशों से ट्रकों के जरिए यूक्रेन तक हथियार पहुंचाए जाते हैं। रूस ने अब इस रूट पर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की सीमा में हथियार सप्लाई करने वाले वाहन दाखिल होते ही रूस इन पर मिसाइल हमले कर देता है।
यूक्रेन ने रूस के हमलों का जवाब क्रीमिया में उसके वॉरशिप को टारगेट बनाकर दिया है। हमले के बाद क्रेमलिन ने क्रीमिया की सुरक्षा बढ़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सेवेस्तोपोल बेस पर ब्लैक सी फ्लीट के जहाजों की संख्या बढ़ाई जा रही है। क्रीमिया के आसमान में सुखोई फाइटर जेट की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इन सभी विमानों पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की गई है। रूस आज रात यूक्रेन पर क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बरसात कर हमले का विनाशक जवाब दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष। यूक्रेन के मारिनका शहर की तबाही का वीडियो सामने आया। रूसी हमले में मारिनका शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। डोनेस्क रीजन के मारिनका सिटी पर रूस ने कब्जा कर लिया है। देखिए तस्वीरें, ये मारिनका शहर है यूक्रेन का, लेकिन अब इस शहर को एक खंडहर शहर कहा जा सकता है क्योंकि हर तरफ सिर्फ इमारतें और उनका खंडहर दिखाई दे रहा है। इस शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन ये वीडियो दिखाता है कि किस तरह की तबाही हुई है यूक्रेन के इस शहर में। बखमुत में जीत के लम्बे इंतजार के बाद एक बार फिर पुतिन के विजय रथ ने रफ्तार पकड़ ली थी। अभियान का पहला पायदान मारिनका है। रूस ने सोमवार को मारिनका पर कब्जे का ऐलान किया। अब पुतिन डोनबास और लुहांस्क से सटे इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार रूस में चुनावों के साथ ही पुतिन यूक्रेन के तमाम कब्जे वाले इलाकों में भी मतदान करवाएंगे ताकि उन इलाकों पर रूस की दावेदारी और मजबूत हो सके। इसके साथ ही पुतिन डोनबास और लुहांस्क से यूक्रेनी सेना कम से कम 300 किलोमीटर दूर करना चाहते हैं ताकि मिसाइल डोनबास तक पहुंच ही ना सके। महीनों तक एमएलआरएस से होती बारूदी बरसात, रूसी सैनिकों ने दिन रात एक कर दिया। कभी हवा से तो कभी आर्टिलरी से होता रहा प्रहार। कामयाबी हाथों से फिसलती रही क्योंकि रूस उस इलाके पर कब्जा करना चाहता था जहां यूक्रेन की मजबूत किलेबंदी थी। सैनिकों के कई ठिकाने थे, हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था। बहुत लंबी जंग के बाद आखिरकार सोमवार को रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के मारिनका पर कब्जा कर लिया गया है। रूस की सेना ने बाखमुत के बाद जीत हासिल की है। मारिनका से यूक्रेनी सेना को वापस जाना पड़ा है। मारिनका में कितनी भीषण जंग हुई है उसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। बाखमुत में जिस तरह से रूस की सेना ने एक इमारत को गिराया था, ठीक उसी तरह मारिनका में भी सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। ऊंची ऊंची इमारतों पर बमबारी के निशान हैं। बारूदी धमाकों से जमीन का रंग भी काला हो चुका है। तबाही और बर्बादी के सैलाब के बाद अब रूसी सेना ने यहां जीत का झंडा फहराया है। रूस के लिए यह बेहद अहम है क्योंकि मारिनका डोनेस्क से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मारिनका से ही यूक्रेन की आर्मी डोनेस्क पर गोलाबारी कर रही थी। यहीं से 21 किलोमीटर के दायरे में यूक्रेनी फोर्स की मजबूत किलेबंदी थी। हालांकि सोलिडर में जीत के बाद मारिनका रूस के लिए आसान टारगेट था।
मरिंका पर कब्जा करना रूस के लिए बेहद जरूरी बन गया था, क्योंकि मरिंका को यूक्रेनी सेना ने एक अहम ठिकाना बनाया था। यहाँ यूक्रेन की सेना के इंजीनियर्स ने खूब काम किया था। यहाँ सैनिकों के लिए कंक्रीट के दीवारें बनाई गई थी। यहाँ कंक्रीट की कई सुरंगें भी बनाई गई थी। हथियार के अंडरग्राउंड गोदाम बनाए गए थे। टैंक और आर्मर्ड व्हीकल का बहुत बड़ा काफिला रखा गया था। मरिंका भी मारियूपल की तरह ही घनी आबादी वाला इलाका था। यहाँ की इमारतों में यूक्रेनी सेना ने फायरिंग के पॉइंट्स बना लिए थे। हथियार जमा करने के लिए भी यहाँ जगह की कमी नहीं थी। बाखमुत और मारियूपल की तरह ही यहाँ रूस की सेना को तमाम इमारतों को गिराना पड़ा और युद्ध बेहद लंबा चला। डॉनबास और लुहांस की सुरक्षा करना रूस की प्राथमिकता है। यही वजह है कि पूर्व में रूस के कब्जे वाले पूरे इलाके की सीमा पर भीषण युद्ध चल रहा है। अब यूक्रेन में फिलहाल रूस की स्थिति को समझिए। लुहांस्क और डोनबास पर रूस का पहले से कब्जा है। जंग के बाद से मारियोपोल पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। उससे आगे रोबोटाइन भी रूस के कब्जे में है। रूस के कब्जे वाले इलाके की सीमा पर जो अलग रंग वाले इलाके हैं, यहां अभी यूक्रेन मजबूत स्थिति में है। और जिन इलाकों पर आप यहां धमाके देख रहे हैं, वहां यूक्रेन और रूस की सेना के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। ज़ापोरिज़्या से लेकर अवदिवका और कुपियांस्क तक कई जगहों पर इस वक्त जंग चल रही है। पुतिन का विजय अभियान मरियांका से शुरू हुआ है। अवदिवका में भी भीषण जंग चल रही है और पुतिन की सेना की कोशिश इस इलाके पर भी कब्जे की है। पुतिन की सेना यहां बाखमुत के करीब से होते हुए लीमन तक कब्जे की कोशिश करेगी। पुतिन एक बहुत बड़े हिस्से को जीतकर यहां चुनाव कराने की कोशिश में है। ज़ापोरिज़्या, ओलेक्जेंड्रिवका, खेरसोन, बुलेदर, तुरेस्क, क्रामतोर्स्क, पोपासना, सोलोवियांस्क से लेकर खारकीव तक को जीतकर पुतिन अपना विजय अभियान पूरा करना चाहते हैं। फ्रंट लाइन पर इस जंग की एक वजह पुतिन का कब्जे वाले इलाके में चुनाव कराना भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन रूस में हो रहे चुनावों के साथी डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़ापोरिज़्या में भी चुनाव कराना चाहते हैं। पुतिन के विजय अभियान का पहला मकसद यूक्रेन के और बड़े हिस्से पर कब्जा है, तो दूसरी तरफ पुतिन नेटो देशों के लॉन्ग रेंज वेपन से भी डॉनबास और लुहांस्क को बचाना चाहते हैं। रूस पूर्वी इलाके में बफर जोन बनाना चाहता है। रूस 250 से 300 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा करना चाहता है। पुतिन चाहते हैं कि 300 तक की रेंज के हथियारों से डॉनबास सुरक्षित रहे। ये टोशका यू बैलिस्टिक मिसाइल है। यूक्रेन इस हथियार से रूसी सेना पर हमला कर रहा है। समझौते के तहत नेटो यूक्रेन को 299 किलोमीटर की रेंज से अधिक वाले हथियार नहीं दे सकता है। यही वजह है कि पुतिन डॉनबास, लुहांस से लगे 300 किलोमीटर के एरिया पर कब्जे की कोशिश में है। मरिंका पर कब्जे के बाद पुतिन की सेना अवदिवका और कुपियांस्क की तरफ बढ़ रही है। कुपियांस्क में रूस ने ड्रोन से हमला किया। स्टारलिंक स्टेशन को तबाह किया गया। मोर्टार लॉन्च के ठिकाने को तबाह किया गया। आर्टिलरी को भी भारी नुकसान हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन के दौरान रूस नेटो के हथियारों को टारगेट कर रहा है। रूस खासतौर से एयर डिफेंस को टारगेट कर रहा है ताकि रूस का ड्रोन हमला नाकाम ना हो। रूसी सेना ने कई नैसम्स एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया है। फ्रांस के क्रोटल एनर्जी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस को नष्ट किया गया है। रूस ने फिलहाल 127 जिलों में भीषण हमले की शुरुआत की है।
लेपर्ड टैंक के बाद ब्रैडली M2 को रूसी सेना ने अपना प्राइम टारगेट बनाया है। यूक्रेन अब तक हमले में कई ब्रैडली गंवा चुका है। यूक्रेन के सैनिकों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ही अमेरिका ने यूक्रेन को ब्रैडली देने का फैसला किया था। ब्रैडली में टायरों की जगह ट्रैक लगे होते हैं, बमबारी के जरिए इन्हें रोका नहीं जा सकता। ब्रैडली में एक समय में 10 सैनिक बैठ सकते हैं। ब्रैडली टैंक की तरह दुश्मनों पर प्रहार भी करता है। ब्रैडली के माउंट पर मशीन गन लगाई गई है। ब्रैडली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। लेकिन अमेरिका का ये वाहन यूक्रेन में फ्लॉप साबित हुआ है। लेकिन अब उसी ब्रैडली का एक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन में तबाह हो चुके ब्रैडली की कतार नजर आ रही है। यूक्रेन इस वक्त हथियारों की किल्लत से जूझ रहा है और इसी तरह यूक्रेन के हथियार नष्ट होते रहे तो पुतिन के विजय अभियान को पूरा होने से रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, लड़ाकू विमानों से इराक की हीला सिटी पर अटैक किया गया। हीला शहर में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया है। यह एयर स्ट्राइक की गई है अमेरिका द्वारा। गाजा जंग में ईरान की सीधी एंट्री होने वाली है। ईरानी मिसाइलों के प्रहार से इजराइल दहकने वाला है, क्योंकि एक तरफ गाजा में IDF ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, इसी बीच इजरायली सेना ने सीरिया में मिसाइल स्ट्राइक की। इस हमले में ईरान का टॉप कमांडर मारा गया और जानते हैं जिस कमांडर की मौत हुई वो कासिम सुलेमानी का करीबी रहा था। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और रईसी के साथ उसका उठना बैठना था। इतना ही नहीं, लेबनान और सीरिया में वो ईरानी प्रॉक्सी को कंट्रोल करता था। लेकिन उसकी मौत के बाद ईरान बौखला गया है और अब अपने कमांडर की मौत का इंतकाम लेने के लिए इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तो क्या जल्द ही अरब वर्ल्ड में होगा परमाणु दहन? देखिए इस रिपोर्ट में। साल पहले ईरान की जामकरण मस्जिद पर कुछ इस तरह लाल झंडा फहराया गया था। और जानते हैं रेड फ्लैग को मस्जिद पर फहराने का मकसद क्या था? जंग का ऐलान। ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी की मौत का इंतकाम। वो भी सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ। मगर 3 साल बाद फिर से जामकरण मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया है। अरब वर्ल्ड में खुलेआम जंग का ऐलान किया गया है। और आपको बता दें इस बार ईरान के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क है, वो है इजराइल। जी हां, ईरानी प्रेसिडेंट रईसी ने इजराइल पर हमले का ऑर्डर जारी कर दिया है। किसी भी वक्त सीरिया और लेबनान फ्रंट से इजराइल पर भीषण अटैक हो सकता है। अगर सवाल खड़ा होता है कि अचानक ईरान और इसराइल के बीच आर पार की जंग के हालात क्यों बने, क्यों इसराइल को तबाह करने के लिए रईसी ने अपनी सेना को वॉर रेडीनेस मोड में आने का ऑर्डर दिया, तो आपको बता दें बीती रात IDF ने सीरिया में मिसाइल स्ट्राइक की।
इस स्ट्राइक में ईरान के टॉप कमांडर की मौत हुई। सैयद राजी मुसावी की मौत से ईरान भड़क उठा। राइसी ने इसराइल पर हमले का ऑर्डर जारी किया। सैयद राजी मुसावी, यही नाम है ईरान IRGC के सीनियर एडवाइजर का, जिनकी सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौत हुई, वो भी इजरायली सेना की मिसाइल स्ट्राइक के चलते। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सैयद राजी मुसावी दमिश्क के एक फार्म हाउस में मौजूद थे। उसी दौरान IDF ने दमिश्क पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिसमें सैयद राजी मुसावी की मौत हो गई। आपको बता दें कि सैयद राजी मुसावी को ईरान के तत्कालीन चीफ कमांडर कासिम सुलेमानी का करीबी बताया जाता था। सुलेमानी की मौत के बाद सैयद राजी वो शख्स थे जिन्हें ईरानी सेना में सबसे ताकतवर माना जाता था। ऐसे में जैसे ही सैयद राजी मुसावी की मौत की खबर सामने आई, ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का माथा ठनक गया, बस फिर गया। जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया और इसके साथ ही इसराइल के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान हुआ। मसलन इसराइल पर ईरान ने बड़ा साइबर अटैक किया, जिसके चलते पूरे इसराइल में ब्लैकआउट हुआ। PM नेतन्याहू को बीती रात बंकर में छिपना पड़ा। सोमवार रात पूरे इसराइल में अलर्ट सायरन बजा। दरअसल इजरायली डिफेंस को आशंका थी कि साइबर अटैक के चलते जो ब्लैकआउट हुआ, उसकी आड़ में ईरान सीरिया या फिर लेबनान से मिसाइल हमले कर सकता था। हालांकि ईरानी प्रॉक्सी की तरफ से इजरायल पर कई छोटे हमले हुए, मगर आज सुबह जैसे ही जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहरा, ये साफ हो गया कि अब ईरान हर हाल में सैयद राजी मुसावी की मौत का इंतकाम लेगा। इजरायल पर सबसे भीषण, सबसे प्रचंड, सबसे विस्फोटक हमले को अंजाम देगा। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरह कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद में मारा, ठीक उसी तरह सैयद राजी मुसावी को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में मारा, वो भी आसमानी प्रहार के जरिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सैयद राजी मुसावी आखिर सीरिया में क्यों मौजूद थे और सैयद राजी मुसावी की लोकेशन आखिर IDF को कैसे पता चली। तो आपको बता दें, सैयद राजी मुसावी ईरान IRGC में ब्रिगेडियर जनरल थे। सुलेमानी के बाद मुसावी के पास IRGC का कंट्रोल था। फिलहाल सैयद राजी सीरिया और लेबनान में एक्टिव थे, ईरान के हथियारों की सप्लाई का जिम्मा संभाले हुए थे। सैयद राजी मुसावी तमाम ईरानी प्रॉक्सी के कोऑर्डिनेटर थे। ईरानी प्रॉक्सी को हथियार देना, उन्हें इसराइल के खिलाफ हमले के लिए उकसाना, इन सब में सैयद राजी मुसावी का अहम रोल था। लिहाजा जैसे ही इसराइल को मुसावी की सटीक लोकेशन पता चली, 25 दिसंबर की रात सीरिया की राजधानी दमिश्क में मिसाइल स्ट्राइक हुई, जिसमें सैयद राजी मुसावी मारा गया। मगर इस बार ईरान पहले वाली गलती नहीं दोहराएगा। इस बार खमेनेई और रईसी आग बबूला है। इस बार इसराइल का बच पाना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ ईरान ने जंग का तो ऐलान कर दिया है, इसी बीच सीरिया पर IDF के मिसाइल स्ट्राइक से पुतिन भड़क उठे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गाजा जंग का विस्तार हो चुका है और इस बार इसराइल के खिलाफ ईरान और रूस जैसे ताकतवर मुल्क हैं जो पलक झपकते ही अपने विनाशकों से तबाही मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेनी सेना के टैंक T-64BV का बारूदी ट्रेलर रूसी कब्जे वाले इलाके में भीषण तबाही मचाई है। रशियन आर्मी के सैन्य ठिकाने तहस नहस कर दिए हैं। रूस यूक्रेन जंग किसी भी वक्त नेटो रूस के रण में बदल सकती है।
जिसकी चपेट में 80 से ज्यादा देश आ सकते हैं। दरअसल रूस का दावा है कि अमेरिका और नेटो यूक्रेन में आर्मी बेस बनाने की तैयारी में है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका आर्कटिक में अपने मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो रूस की सेनाएं नेटो देशों पर हमला कर देगी। पुतिन का ये प्रहार सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा, इसकी जद में दुनिया भर में फैले अमेरिकी बेस भी आएंगे। क्या यूक्रेन युद्ध महाविनाश लाने वाला है? क्या सदी की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है? क्या अब रूस और अमेरिका सीधे टकराएंगे? ये सवाल यूं ही नहीं है, इन सवालों की पृष्ठभूमि में बीते 24 घंटे में बने वो समीकरण हैं जिन्होंने दुनिया में तबाही का अलार्म बजा दिया है। ऐसी तबाही जो यूक्रेन की जमीन से शुरू होकर जर्मनी, जापान, स्पेन और आर्कटिक तक जा सकती है। और तबाही के मध्य में होंगे दुनिया के दो सबसे पावरफुल देश, अमेरिका और रूस। दरअसल रूस यूक्रेन के नए शहरों पर कब्जे के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन रूस के साथ जंग में हार रहा है। ऐसे में खबर है कि नेटो यूक्रेन में सीधी एंट्री ले सकता है। हारते यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन में मिलिट्री बेस बना सकते हैं। इधर मीडिया में मिलिट्री बेस की खबरें आई, उधर क्रेमलिन में बैठे राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला हो गए, जिसके बाद जवाब देने के लिए दिमित्री मेदवेदेव सामने आए और नाटो को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो को चेतावनी देते हुए कहा, ये गेम प्लान है, हम यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे, यूक्रेन में कोई सैन्य बेस नहीं बनाने दिया जाएगा, ऐसा हुआ तो रूस बिना देर करे हमला करेगा। रूस के तेवरों से साफ है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन में नेटो देशों को आने की इजाजत नहीं देगा। अगर नेटो सैनिकों ने यूक्रेन की जमीन पर कदम रखा तो प्रलय आना तय है, जिसकी जद में यूरोप के ज्यादातर देश होंगे। विनाश के संकेतों की पटकथा सिर्फ यही खत्म नहीं होती, दरअसल रूस के अंदर ही अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले की मांग होने लगी है। पुतिन के समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि रूस दुनिया भर में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला करे। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले को लेकर रूसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोवियोव का बयान सामने आया है। सोलोवियोव ने कहा, यूरोप से सभी अमेरिकी सैनिकों को हटा देना चाहिए, रूसी सैन्य अड्डे दूर मौजूद देशों में होने चाहिए, पश्चिमी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर कब्जा किया जा सकता है, हमें इसकी शुरुआत इटली से करनी चाहिए। साफ है यूक्रेन में नेटो सैन्य बेस बनाने की खबरों ने युद्ध की एक नई चिंगारी फूंक दी है, जो और भड़की तो इसकी जद में दुनिया का 80% हिस्सा धू धू कर जलने लगेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको दुनिया में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों के बारे में जानना जरूरी है। कुल 80 देशों में अमेरिका के 750 मिलिट्री बेस हैं। अमेरिका के 173,000 जवान 159 देशों में मौजूद हैं। अमेरिका के सबसे ज्यादा मिलिट्री बेस जापान में है, जिनकी संख्या 120 है। जर्मनी में 119 मिलिट्री बेस, साउथ कोरिया में 73 मिलिट्री बेस है। मिडिल ईस्ट में भी बड़े पैमाने पर अमेरिका की मौजूदगी है, तुर्की में अमेरिका के 13 मिलिट्री बेस हैं, जबकि सऊदी अरब और कुवैत में 10-10 मिलिट्री बेस मौजूद हैं। अगर क्रेमलिन से अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह करने का आदेश जारी हुआ तो इन सभी देशों में आग लगनी तय है।
अमेरिका और रूस के बीच सुलगती चिंगारी आर्कटिक तक भी पहुंच चुकी है। अमेरिका से जारी एक नक्शे ने दुनिया के सबसे कठोर, सर्द और बर्फीले इलाके में जंग के आसार पैदा कर दिए हैं। अमेरिका ने एक मैप जारी किया है जिसमें उसने आर्कटिक में अपनी मेरी टाइम लिमिट्स यानी आर्कटिक सागर में अपनी सीमाओं को निश्चित दूरी से कई किलोमीटर आगे दिखाया है। रूस का दावा है कि अमेरिका आर्कटिक में अपना बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसने अमेरिका को हद में रहने की हिदायत दी है, मगर सवाल है कि अमेरिका दुनिया के सबसे सर्द इलाके में अपना बेस क्यों बनाना चाहता है। दरअसल इसकी बड़ी वजह है आर्कटिक में रूस की बेहिसाब सैन्य ताकत, जिसका कोई मुकाबला नहीं। यह है आर्कटिक में रूस का मिलिट्री बेस। इस तरह के कई विशाल मिलिट्री बेस रूस आर्कटिक में तैयार कर चुका है। ग्लोब पर दिख रहे हरे रंग के गोले आर्कटिक में नेटो के मिलिट्री बेस हैं और लाल गोले रूस के मिलिट्री बेस हैं। 2005 से रूस ने आर्कटिक में सोवियत दौर के 10 से ज्यादा बेस एडवांस बनाए हैं। यहाँ एयर डिफेंस को चकमा देने वाली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात है। आर्कटिक में रूस की कई सबमरीन और न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले आइस ब्रेकर भी तैनात है। आर्कटिक में रूस की ऑपरेशन पावर अमेरिका से कहीं ज्यादा है। इसकी वजह है रूस के एडवांस मिलिट्री बेस। ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के एंकर वाले निशान आर्कटिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले एंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं। रूस ने आर्कटिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाजों पर खूब खर्च किया है। इसी तरह हरे रंग हवाई जहाज के निशान नेटो के एयरबेस हैं और लाल रंग के रूस के एयरबेस हैं। आर्कटिक में रूस की हवाई पट्टियां और एयरबेस सभी नेटो देशों से ज्यादा है। साफ है आर्कटिक में रूस का कोई मुकाबला नहीं और रूस के इसी दबदबे को कम करने की कवायद अमेरिका शुरू कर चुका है, जो दुनिया में महासंग्राम का खतरा बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन की हार दिखने लगी है। रूस के हथियारों ने नेटो के 31 देशों को बेदम कर दिया है। इसमें भी पुतिन के 5 ब्रह्मास्त्रों ने जंग में निर्णायक भूमिका निभाई है। रूस के उन 5 विध्वंसक हथियारों ने नेटो के बड़े बड़े हथियारों को कबाड़ बना दिया है। अगर जंग में यही हाल रहा तो पूरे यूक्रेन पर रूसी ध्वज लहराने में देर नहीं लगेगी। सवाल है आखिर रूस के वो कौन से ब्रह्मास्त्र हैं जिन्होंने नेटो के हथियारों को भी ध्वस्त कर दिया। के विध्वंसक हथियारों के आगे नेटो देशों की संयुक्त ताकत भी कुछ नहीं कर पाई। रूस के कुछ हथियारों ने यूक्रेन जंग की तस्वीर बदल दी। अपने इन हथियारों के दम पर रूस ने अमेरिका के ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल और अब्राम्स टैंकों के अलावा ब्रिटेन के चैलेंजर और जर्मनी के लेपर्ड टैंक को भी बेदम कर दिया। नेटो के ज्यादातर हथियारों के नाकाम होने के बाद अब हालत यह है कि यूक्रेन बिल्कुल खाली हो चुका है। यूक्रेन के पास बारूद की भी कमी हो गई है। यूक्रेन को अमेरिकी मदद भी रुक गई है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि नेटो की पूरी ताकत साथ होने के बाद भी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस कैसे फेल हो गया। आखिर पुतिन के वो कौन से 5 हथियार हैं जिनके आगे नेटो के 31 देशों के हथियार नाकाम हो गए। तो रूस के उन खतरनाक हथियारों के नाम भी सुन लीजिए। पहला हथियार है रूस की किंचल मिसाइल, दूसरा है KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर, तीसरा लैंसेट ड्रोन, चौथा T-90 बैटल टैंक और 5वां हथियार है टोर M-2 मिसाइल सिस्टम। रूस के ये वो हथियार हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में नेटो को नाको चने चबाने को मजबूर कर दिया। इसमें रूस का सबसे घातक हथियार है किंचल मिसाइल, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की सेना में खलबली मच जाती है।
किंजल मिसाइल न्यूक्लियर हथियारों से लैस है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, स्पीड 12,250 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी पेलोड क्षमता 480 किलो है। रूस की इस घातक मिसाइल को कोई भी एयर डिफेंस या मिसाइल सिस्टम रोक नहीं सकता। रूस की किंजल मिसाइल ने जंग में यूक्रेन की हवाई सुरक्षा, हथियार डिपो, सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर्स ने भी नेटो देशों के हथियारों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने अथाह बारूद बरसाकर नेटो देशों के भारी भरकम हथियारों का कबाड़ बना डाला। पिछले साल मई की शुरुआत से ही जंग में रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर विनाश बनकर उड़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के हथियार डिपो और सैन्य ठिकानों को KA-52 हेलीकॉप्टरों ने जमकर निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून के महीने में रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर्स ने ही यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस की बुनियाद हिला दी थी। बैटल ग्राउंड में रूसी अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 ने अमेरिका के ब्रैडली और जर्मनी के लेपर्ड जैसे घातक हथियारों को बड़े पैमाने पर तबाह कर डाला। KA-52 रूस का मुख्य अटैक हेलीकॉप्टर है। ये बेहतरीन एयरबॉर्न डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसमें ग्राउंड और एरियल टारगेट को एक साथ तबाह करने की क्षमता है। यूक्रेन की जंग में शाहिद ड्रोन की तरह खतरनाक लैंसेट ड्रोन भी बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। यूक्रेन की जंग में रूस ने शाहिद के बाद अगर किसी ड्रोन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है तो वो है लैंसेट। लैंसेट ड्रोन की मारक क्षमता 40 से 50 किलोमीटर है। इसकी टारगेट क्षमता को 60 से 70 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसे आर्मर्ड व्हीकल को तबाह करने में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रूस ने नेटो के हथियारों के जवाब में अपने सबसे भरोसेमंद टैंक T-90 और TOR-M2 मिसाइल सिस्टम का भी भरपूर इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के T-90 टैंक के मुकाबले अमेरिका की ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल और अब्राम्स टैंकों के अलावा ब्रिटेन के चैलेंजर और जर्मनी के लेपर्ड टैंक यूक्रेन के लिए ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालत यह है कि जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भी टैंक नहीं है। ज़ेलेंस्की को इस जंग में टिके रहने के लिए न सिर्फ बेहतरीन हथियार चाहिए बल्कि उन हथियारों को चलाने वाले भी चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेटो देशों ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों के डिलीवरी में भी देरी की, जबकि इस बीच रूस ने TOR-M2 मिसाइल सिस्टम जैसे अपने दमदार हथियारों के दम पर बाजी पलट दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इसराइल पर गाजा की जंग रोकने का दबाव है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि युद्ध नहीं रोका जाएगा। जंग शुरू होने के बाद से नेतन्याहू दूसरी बार गाजा के दौरे पर गए, वहां ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात की और तेल अवीव आने के बाद युद्ध जारी रखने का ऐलान कर दिया। इसराइली प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक 3D टारगेट पूरे नहीं हो जाते तब तक गाजा पर बारूद वर्षा नहीं रुकेगी। इसराइल को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने युद्ध विराम का सुझाव दिया, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री ने साफ इनकार कर दिया। अब तय हो चुका है कि युद्ध जारी रहेगा और इस युद्ध को जारी रखने के लिए नेतन्याहू ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है।
25 दिसंबर को इसराइल के प्रधानमंत्री दूसरी बार गाजा दौरे पर गए। बेंजामिन नेतन्याहू हेलीकॉप्टर से गाजा की सीमा में पहुंचे और वहां से बख्तरबंद वाहन में सवार होकर नॉर्थ गाजा की फ्रंट लाइन पहुंचे। गाजा में जंग लड़ रहे जवानों से मिलकर लौटने के बाद नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि युद्ध लक्ष्य पूरा होने तक जारी रखा जाएगा। नेतन्याहू ने इसराइल को संदेश दिया कि मैं गाजा में रिजर्व फोर्स के जवानों से मिलकर लौटा हूं। सभी जवानों ने युद्ध जारी रखने की बात कही है। जवानों ने कहा है कि हमास के अंत तक युद्ध नहीं रुकना चाहिए। दरअसल नेतन्याहू सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ साथ बंधकों के परिवारों का भी दबाव है और इस दबाव को घटाने के लिए ही नेतन्याहू ने जवानों का संदेश देश की जनता को दिया है। नेतन्याहू ने गाजा युद्ध में 3D के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहले डी का मतलब है हमास का डिस्ट्रक्शन यानी हमास की तबाही। दूसरे डी का मतलब है गाजा का डीमिलिटराइजेशन यानी गाजा में हथियार खत्म करना। और तीसरे डी का मतलब है फिलिस्तीनियों का डीरेडिकलाइजेशन यानी गाजा में रहने वाले लोगों के मन से कट्टर पंथ खत्म करना। अमेरिका भले ही इसराइल पर युद्ध विराम का दबाव बना रहा हो लेकिन युद्ध जारी रखने के लिए बारूदी सप्लाई भी बढ़ा दी है। अमेरिका ने इसराइल को हथियारों की नई खेप भेजी है। 7 अक्टूबर से अब तक अमेरिका हथियारों से भरे 230 विमान भेज चुका है। इसके साथ ही 20 जहाजों से हथियार आपूर्ति की जा चुकी है। इनमें आर्टिलरी हथियार, बख्तरबंद वाहन, सैनिकों के लिए साजो सामान भेजे गए हैं। इसराइल ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा पर एक साथ हमले जारी रखे हैं और इसराइली संसद के पूर्व सदस्य ने ऐलान कर दिया है कि गाजा के संपूर्ण विनाश और उस पर इसराइल के नियंत्रण तक हमले जारी रहेंगे। ולכן אני אומר, בעזה כולם בלי יוצא מן הכלל מחבלים בני כלבים. צריך למוטט אותם, להרוס אותם מבחינתי, להרוג את כולם, לעשות את הכל אבק, צהל יפרז את השטח ונתחיל לבנות שם אזורים חדשים, קודם כל למען ביטחוננו. गाजा को समतल करने का ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। इजरायली सेना ने गाजा के खान यूनिस को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। क्या पुतिन और इब्राहिम रईसी ने बाइडेन को अरब युद्ध के जाल में फंसा दिया है? प्रॉक्सी गुटों के हमले में अमेरिका के कुछ सैनिक घायल हुए तो बाइडेन ने खाड़ी में ईरान के समर्थन वाले गुटों पर बमबारी का आदेश दे दिया। तो क्या इराक अब अमेरिका और ईरान का कुरुक्षेत्र बन गया है? अरब में अब अमेरिका ने ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों पर हमला करके इस जंग में सीधी एंट्री कर ली है। अरब में अमेरिका और ईरानी प्रॉक्सी संगठनों की जंग तेज हो गई है। इराक में ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर अमेरिका ने जमकर बमबारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट बाइडेन के आदेश के बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने इराकी शहरों पर बमबारी की और ईरान के प्रॉक्सी गुट कतैब हिजबुल्ला के ठिकानों पर बम बरसाए। पेंटागन की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिकी हवाई हमलों में कतैब हिजबुल्ला के कई ठिकाने तबाह हो गए। हमले में कतैब हिजबुल्ला के कई लड़ाके मारे भी गए।
हमले में नागरिक ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इससे पहले इराक के इरबिल में ईरान के समर्थक वाले गुटों ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया था। इरबिल में अमेरिकी बेस पर प्रॉक्सी गुटों के हमले में 3 अमेरिकी सैनिक जख्मी भी हो गए। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के समर्थन वाले गुटों पर पलटवार करना शुरू कर दिया। कतैब हिजबुल्ला के ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी के बाद कतैब हिजबुल्ला ने भी अमेरिका पर हमले तेज करने की धमकी दी है।